ब्रह्मपुरी तहसील में कोरोना के रुग्ण मिलने पर ब्रह्मपुरी तहसील में 1 जुलाई से 3 जुलाई तक संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन घोषित किया गया। चंद्रपुर जिले में चंद्रपुर शहर के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के रुग्ण ब्रह्मपुरी तहसील में पाए गए, जिसके कारण वहां का स्थानीय प्रशासन भी चिंतित हो गया है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि चंद्रपुर जिले में रुग्णों की संख्या बाहरी जिले से आने वाले लोगों के कारण बढ़ रही है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन अपने तौर पर भरसक प्रयास कर ही रहा है, किंतु कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां बाहरी जिले से आने वाले व्यक्ति कहीं पर भी घूम फिर रहे हैं। ऐसे में स्थानिक जनता भी इन व्यक्तियों के कारण भयभीत हो रही है। इसी का ख्याल रखते हुए ब्रह्मपुरी में 1 जुलाई से 3 जुलाई तक 3 दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ शासकीय कार्यालय, दवाखाना और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। अकेले ब्रह्मपुरी शहर में कोरोना के 11 पॉजिटिव रुग्ण मिले तथा तहसील में 16 पॉजिटिव रुग्ण पाए गए। इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने शहर में पाए गए पॉजिटिव रुग्ण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की जांच शुरू कर दी है। आज ब्रह्मपुरी शहर में लॉकडाउन में शहर की गतिविधियां थमने का चित्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मपुरी से हमारे संवाददाता अमर बुद्धा को और रिपोर्ट।